Welcome to CI International School Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर रीड कर रहे थे वन विविधता की समझ. विविधता क्या थी बेटा? विविधता यानी कि अनेकता. जैसे कि आप देखिए हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं. कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई जम्मू का है, जिसके कारण उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी बोली, उनकी भाषा और यहाँ तक कि उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अलग होता है, उनके रीति रिवाज अलग हैं. ये सब हमारी क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी यानी कि विविधता. ये विविधता है. लेकिन अमीर या गरीब होना कोई विविधता नहीं है. हमने समीर एक और समीर दो की स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से विविधता होते हुए भी ये दोनों बच्चे आपस में दोस्त बने. विविधता जो है उनकी दोस्ती के बीच में कोई मैटर नहीं कर पाई. ऐसा नहीं था कि एक बच्चा पढ़ा लिखा था, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं था. एक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, एक थोड़े कम उम्र का था. एक बच्चा स्कूल जाता था और एक नहीं जाता था. इतना सब होते हुए भी ऐसा नहीं हो पाया कि वो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात ना कर पाए हो. ठीक है, उनके धर्म भी अलग थे, फिर भी उन बच्चों के बीच दोस्ती हुई. तो बेटा ऐसा माना जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर अनेकता में भी एकता पाई जाती है. जैसे कि आपने देखा अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं, जिनके त्योहार अलग हैं, जिनके रीति रिवाज बिल्कुल डिफर हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय हैं, वे सब भारतीय हैं. और जब भारत पर कोई मुसीबत पड़ती है तो ये सब क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं. जैसा कि आपने देखा था, आपने देखा कि जब हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था तो उस समय में क्या हुआ कि सभी भारतीय, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों के ही क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और अपने देश को आजाद करवाया, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया. ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा चैप्टर है विविधता की समझ, आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. प्रश्न नंबर एक, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए. लिस्ट प्रिपेयर करनी है हमने अलग डिफर डिफर फेस्टिवल्स की. इनमें से कौन से त्योहार विभिन्न समुदायों के द्वारा मनाए जाते हैं? तो बेटा हमारे इलाके में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची इस प्रकार है, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरुपर्व, क्रिसमस, बैसाखी और तीज. ठीक है, ये सभी त्योहार हम मनाते हैं. और इन त्योहारों में से होली और दिवाली के जो त्योहार हैं उनको सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं. इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व जैसे कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर जो जैसे पर्व हैं, इनको सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं. चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यदि वो भारत में रह रहे हैं तो वो सभी मिलकर इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हैं. प्रश्न नंबर दो, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपको पता है ना, भारत की समृद्ध और विविध विरासत है, मतलब यहाँ पर अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग खान पान वाले लोग यहाँ पर रहते हैं. तो ठीक है, ये बताइए हमारे जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? तो देखो बेटा इसका उत्तर, भारत विविधताओं वाला देश है, अनेकताओं वाला देश है. हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हमारा खान पान अलग है, हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं. जब हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो इससे जो हमारा जीवन है वो नए रंगों से भर जाता है. मतलब मिलकर रह रहे हैं, एक 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 दूसरे के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की भाषा के भी कुछ शब्द हम जान जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे रीति रिवाजों को हम अपना लेते हैं. तो ठीक है, इस तरीके से क्या होता है बेटा कि हमारे जो जीवन है उसमें समृद्धि आती है. आगे देखिए प्रश्न नंबर तीन, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार
भारत के लिए कैसे उपयुक्त है और भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू जी एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब हमारे विचार में अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए सही कैसे है, और ये जो अनेकता में एकता का विचार दिया बेटा, ये नेहरू जी ने दिया अपनी बुक भारत की खोज में, उन्होंने लिखा था, तो बताओ उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखो इसका उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग विश्वासों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। वो कह रहे हैं कि ये कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा गहराई में है, जिसमें हम अलग अलग विश्वासों को अपनाते हैं, अलग अलग प्रथाओं को अपना लेते हैं, ये सब हमें हमारे अंदर अपनाने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, हम अनेकता को पहचानते हैं और उसको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। वे नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार दिया हमें नेहरू जी, भारत की अनेकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है नेहरू जी ने, भारत की एकता का वर्णन, जैसे रंग रूप की विविधता है, यहाँ पर खान पान की विविधता है, भाषा की विविधता है, त्योहारों और रीति रिवाजों में विविधता है, व्यवसायों की विविधता है और धर्म की विविधता है। मतलब अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके त्यौहार और रीति रिवाज अलग अलग हैं, उनके व्यवसाय काम धंधे भी अलग अलग हैं, और यहाँ तक कि उनके धर्म भी अलग है। कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, ठीक है, वो भी अलग अलग हैं। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, चाहे हम में कितनी भी अनेकता क्यों ना हो, हम सब फिर भी एक हैं। ठीक है, यही हमारी अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। मतलब जलियांवाला बाग के बारे में जब एक पोयम लिखी गई थी, तो उसकी वो कौन सी ऐसी लाइनें थी जिसके द्वारा हमें भारत की एकता का पता चलता है, वो भारत की एकता को दर्शाती हैं। तो बेटा वो लाइनें क्या थी, देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की यह पंक्ति भारत की झलक प्रस्तुत करती है, भारत की एकता की झलक प्रस्तुत करती है। तो बेटा देखो कौन सी लाइन है वो, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। मतलब हिंदू और मुस्लिमों की, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, मीन्स उनकी आज होली है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि होली के दिनों में चारों तरफ लाल रंग फैला होता है, उसी तरीके से जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग थे, और उनका जो खून था, उनका जो लाल खून था, वो चारों तरफ फैला था, और उनके ब्लड से ये नहीं पता चल रहा था कि ये हिंदू का खून है या ये मुस्लिम का खून है। ये बहते हैं एक रंग में, उनका खून जो था एक ही कलर का था, एक साथ बह रहा था, उनके ब्लड को देखते हुए कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। दामन भिगो के जाना कि मतलब वो जो लोग शहीद हुए उनके ऊपर आंसू बहाकर जाना, अपना दामन भिगो के जाना कि तुम हमें भूल मत जाना। तो ये भारत की एकता को दर्शाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई हुई उस वक्त हिंदू और मुस्लिम एक होकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रश्न नंबर 5, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि हम उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है, क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम वो देखते हैं। देखो बेटा, हम राजस्थान राज्य का उदाहरण ले लेते हैं। यह राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान, चारों तरफ रेत ही रेत है। इस राज्य का पश्चिमी भाग तो बहुत ही शुष्क है, आप देखते हैं कच्छ का प्रदेश पड़ता है, बहुत ही शुष्क है, वर्षा कम होने के कारण पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग जो हैं यहाँ पर भेड़ बकरियाँ पालते हैं और ऊँट भी पालते हैं।
ज्वार और बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है और यहाँ की जलवायु बहुत ही विषम है। विषम मतलब कठोर जलवायु, मतलब जो मानव, एक जलवायु ऐसी होती है जैसे मानव इजीली सह लेता है और एक जलवायु ऐसी होती है कि मानव को सहन करने में कठिनाई होती है। मतलब यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें जो हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था विविधता की समझ। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब तक। तो विविधता का मतलब क्या होता है बेटा? अनेकता। मतलब भारत में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए भारत को विविधताओं वाला देश कहा है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत विविधताओं वाला देश है। इतना सब होते हुए भी यहाँ पर सब लोग जो हैं अपने आप को भारतीय मानते हैं। अगर कोई चुनौती सामने आती है तो मिलकर उसका सामना करते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने इसमें अनेकता में एकता का विचार भी दिया। ओके बेटा, इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए।